हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी बन पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा नौवीं, जो आपके मासिक टेस्ट होने वाले हैं। यहाँ पर विषय उसका देख सकते हो, सामाजिक विज्ञान होने वाला है, माह आपका जुलाई होने वाला है, समय आपका एक घंटा दिया जाएगा आपको, अंक जो रहेगा यहाँ पर रहेंगे आपके 20। और सबसे पहले प्रश्न नंबर आपका पहला देखने को मिलेगा आपको, जिसमें आपको एक वाक्य यानी एक शब्द में उत्तर देखने को मिलेंगे और जिसका प्रत्येक एक अंक निर्धारित रहेगा प्रत्येक एक क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो पहला पूछा गया आपका, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पहले का, वो हो जाएगा यहाँ पर 2 घंटे। कितने? 2 घंटे। पहले का करेक्ट आंसर 2 घंटे लगा लेंगे। इसके बाद आता है दूसरा, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे आपको, यहाँ पर कर्क रेखा जो गुजरती है आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका पहला जो आता है यहाँ पर गुजरात, पहला आता है गुजरात, और सेकंड जो है यहाँ पर आता है यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके 8 राज्य आते हैं। इसके बाद आपका तीसरा पूछेगा, स्थाई पूजा किसे कहते हैं, स्थाई पूंजी किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो स्थाई पूंजी से तात्पर्य है उस पूंजी से है जो स्थाई संपत्तियों का क्रय करने में लगाई जाती है, उसे स्थाई पूंजी कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, पैट्रियाट नामक पत्र के प्रकाशन का कार्य किस नेता ने आरंभ किया। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्या लिखेंगे? हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है ना। हरिश्चंद्र मुखर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका, शक्ति विकेंद्रीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इस यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर लिखेंगे मॉन्टेस्क्यू, ठीक है ना, मॉन्टेस्क्यू इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिख देंगे। इसके बाद पूछा गया आपका अगला, तो अगला जो पूछा गया यहाँ पर, छठवां, किस अवधि के दौरान चीन के विश्व युद्ध के इतिहास में अपना सबसे बुरा अकाल दर्ज किया था। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग 1958 और डैश लगा के 1961, ठीक है ना, 58-61। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, तो 2 अंक प्रत्येक के यहाँ पर निर्धारित होने वाले हैं। तो पहला देख सकते हो, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार अधिकार का क्या महत्व है, और यहाँ पर हम आपको फुल सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं टू चेयर। तो आप लोग वीडियो को स्लो से लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जिनका आपका प्रत्येक का 2-2 अंक यहाँ पर निर्धारित होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए इन प्रश्नों का हम यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये देख सकते हो आपका हो जाएंगे यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन थे, इसके बाद हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इसके आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये आपके मासिक अभ्यास प्रश्न का आपका प्रश्न नंबर पहले का आंसर हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर सभी आंसर को मिलान कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके देख सकते हो ये सभी आंसर हो जाएंगे 1 से 6 तक। इसके बाद आते हैं आपके आगे, तो आगे क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपके यहाँ पर देख सकते हो, क्या पूछा गया था, प्रश्न नंबर जो दूसरा था इसका आपका पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे समान अधिकार जो इसका देख सकते हो, जो आपको यहाँ पर हाईलाइट दिख रहा है वो आपको लिख लेना है, ठीक है ना। इसके बाद आपका देख सकते हो प्रश्न नंबर दूसरा जो पूछा गया था इसका, प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा आंसर हो जाएगा पिछत प्रश्न बेरोजगारी, ठीक है ना। इसके बाद आपका देख सकते हो यहाँ पर हो जाएगा अगला तीसरा, और आपका 7 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो यहाँ पर देख सकते हो इसके बाद आपका प्रश्न नंबर चौथे का आंसर हो जाएगा ये, और इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5वें का आंसर ये यहाँ पर पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6 का आंसर यहाँ पर दिया गया है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा, 1 से लेकर 7 तक के सभी प्रश्न आपके देख सकते हो, यहाँ पर सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया है, और एक प्रश्न नंबर जो आपका पहला था एक वाक्य में उत्तर, वो भी हमने यहाँ पर आपको कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो अगला सब्जेक्ट है आपका उसका यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे फुल सॉल्यूशन मासिक टेस्ट का, ठीक है दोस्तों।